चाहिए कि हिंदी दिवस क्यों मनाया जाता है और इसका इम्पोर्टेंस क्या है? संवैधानिक रूप से 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान में हिंदी को संविधान मतलब संवैधानिक यानी आधिकारिक रूप से भारत देश की जो हमारे जो प्रशासनिक कार्यों में इसका प्रयोग होना है ऐसा निर्णय लिया गया था, इसलिए 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। तो ये दिन हमारे लिए खास है, लेकिन हिंदी हमेशा से महत्व रही यानी इम्पोर्टेंट रही है और आज भी विश्व भर में सबसे बोली जाने वाली भाषा है। और जहाँ तक अरुणाचल की बात है, ये हमें जोड़कर रखी हुई है। हमारे यहाँ पर बहुत सारी बोलियाँ हैं, बहुत सारी जातियाँ हैं, लेकिन हम आपस में बात करने के लिए संपर्क भाषा के रूप में हम हिंदी को ही प्रयोग करते हैं। और हिंदी इतनी कोमल है और ये अभिव्यक्ति के लिए यानी एक्सप्रेशन के लिए बहुत ही सरल भाषा है, इसलिए जो है बहुत ही ये मतलब हिंदी जो है बहुत ज़्यादा यहाँ लोकप्रिय है, विश्व भर में लोकप्रिय है, अरुणाचल में भी लोकप्रिय है। और 14 सितंबर में हमें संवैधानिक दृष्टि से अधिकार मिले, यानी उन्होंने संवैधानिक दृष्टि से इसको जो है प्रशासनिक विभागों में इसका प्रयोग किया जा सकता है, तो इसलिए हम इसको 14 सितंबर को मनाते हैं। पर इसका महत्व तो वर्षों से रहे हैं, आज भी है। तो मैम, आप एक हिंदी टीचर होने के नाते और HOD भी है आप हिंदी डिपार्टमेंट के, जो हमारे अरुणाचल में हिंदी बोला जाता है उनको आप किस तरीके से देखते हैं? अरुणाचल में जो हिंदी बोली जाती है, एक तरफ से हम लोग आम बोल चाल में अरुणाचली हिंदी कहते हैं और बहुत खूबसूरत है। देखो, किसी भी समाज में कोई भी भाषा आती है तो थोड़ी इसी रूप में आती है, लेकिन वो धीरे धीरे उसमें सुधर आएगी। और वैसे भी विशेष रूप से अरुणाचल में जो मतलब हिंदी है उसमें लिंग भेद नहीं है, यानी स्त्रीलिंग पुल्लिंग नहीं है। क्यों नहीं? क्योंकि हमारा सामाजिक जीवन में भी लिंग भेद नहीं है, शायद इसीलिए इस भाषा में भी असर है। लेकिन जो हिंदी बोली जाती है अरुणाचल में, जैसे मतलब एक ही लिंग में हिंदी बोल, एक ही तरह से, जैसे लड़की भी कहती है कि मैं जाएगा, हम जाएगा, ऐसे बोलते हैं ना, लेकिन ये बहुत सुंदर है और इसमें धीरे धीरे सुधार आएगी। हमारी अपनी सबकी बोली है, हमारी सबकी अपनी भाषा है सर समुदाय की, तो हिंदी को हम लोग अभी बोलने लगे हैं तो जो जन्म से हमने जो बोली है, हमारी अपनी जो भाषा है, उसके अलावा हमने हिंदी को बोलना शुरू किया, धीरे धीरे सुधार आएगी और बहुत खूबसूरत सुधार आएगी। और जो अभी अरुणाचली हिंदी है वो भी बहुत ही सुंदर है। कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं जो हमारी हिंदी लैंग्वेज है? हिंदी को अभी प्रिजर्व करने का नहीं, इसका सुरक्षा की नहीं है, हमें चिंता करनी उसको सही ढंग से प्रसार करने की चिंता है, प्रिजर्वेशन का नहीं, उसको किस तरह से फैलाना है, सुंदर ढंग से फैलाना है, वो चिंता की विषय है। दूसरी बात ये कि आपने कहा कि हिंदी बोलते तो हैं लेकिन पढ़ने लिखने में तकलीफ है। लिपि जो हिंदी यानी देवनागरी लिपि विश्व का सबसे अधिक वैज्ञानिक मतलब तरीके वाले लिपि है। हमारे यहाँ पर स्कूल एजुकेशन में केवल एक ही सब्जेक्ट हिंदी पढ़ना है, बाकी रोमन लिपि में पढ़ना है। शायद इसी कारण से जो है हम लोग देवनागरी लिपि कम पढ़ने की वजह से हम लोग हिंदी को पढ़ने में और लिखने में कम हमारा ध्यान है, लेकिन जिस दिन हमने उस पर ध्यान देना शुरू किया उस दिन हम लोग बहुत अच्छी तरीके से लिखते हैं। हमारा डिपार्टमेंट में भी हिंदी पढ़ने वालों की कमी नहीं है। हाँ, जहाँ तक आपने कहा कि प्राइवेट जो कुछ सेक्टर है जहाँ उन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया, वो सरकार को उसको ध्यान देना चाहिए कि जो इतनी हमारी अपनी इतनी प्यारी भाषा है जो संपूर्ण विश्व में लोकप्रिय है, उसको प्राइवेट सेक्टर वाले क्यों ध्यान नहीं दे रहे, उनको समझना पड़ेगा। लेकिन जहाँ तक हमारा कॉलेज की बात है, यहाँ हिंदी लेने वाले छात्र छात्राएं हैं और वो बहुत ही मन से सब पढ़ते हैं। मैं सभी सुनने वालों को, दर्शकों को और श्रोताओं को और सभी आपके चैनल के माध्यम से सब लोगों को यही कहूँगी कि हिंदी जो है बहुत प्यारी भाषा है, विश्व भर में उसमें ये बहुत अधिक लोकप्रिय है और अभिव्यक्ति के लिए सबसे सुंदर भाषा हिंदी है। इसको समझने की कोशिश करें। जो लोग हिंदी लिखने और पढ़ने में कष्ट होते हैं, इसके लिए मैं बताना चाहूँगी कि ये लिपि जो है बहुत अधिक वैज्ञानिक है, बहुत बढ़िया है, उसको थोड़ा सा
ध्यान देने से आराम से लिख और पढ़ सकते हैं, क्योंकि हम जैसे बोलते हैं हिंदी, जो शब्द हम जैसे बोलते हैं हिंदी में वैसे ही लिखते हैं। थोड़ा सा लिपि को ध्यान देने से आराम से लिख पढ़ सकेंगे। और हिंदी को बढ़ावा देने के लिए हम सब भारतवासियों के अलावा विश्वभर में जितने हिंदी प्रेमी हैं उन सब से आह्वान करूंगी कि इसकी कोमलता और सौंदर्य, इस भाषा की जो कोमलता है और इसमें अभिव्यक्ति की जो सुंदरता है, इसको सब और फैलाने की कोशिश करें। धन्यवाद।